हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल इंडिविजुअल जंप लाइव क्लासेस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ पेपर्स में आपको पता है कि कुछ कैपिटल पूछे जा रही है, ठीक है, और कुछ करेंसी पूछे जा रही है। तो मैंने क्या है, एक जितने भी फिलहाल मैंने कंसल्टेशन किया है एशियाई जो कंट्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रीज का एक्सेप्ट दूंगा तो बनेगा नहीं वीडियो। तो मैंने क्या किया, एशियाई कंट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट है उनका एक वीडियो बना लेते हैं, फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका अलग बना लेंगे, ठीक है, तो फिर साउथ अमेरिकन या अमेरिकन कंट्रीज में उनका एक बना लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन एशियाई कंट्रीज देख लेते हैं। इनमें मैंने वो कंट्री सिलेक्ट करी हैं जिनमें मान लो इंडिया का नहीं किया मैंने, ना पाकिस्तान ने किया है, नेपाल का भी नहीं किया, ठीक है, तो वो बेसिक अपने को पता है, थोड़ा डिफरेंट है, उनके बारे में मैंने यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जुटाई है अपने, ठीक है। तो पहला अपनी कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के फिलहाल जो आपकी पीएम है अशरफ गनी, फिलहाल जो न्यू दिल्ली के टूर पर है, तो 3 दिन की उनकी यात्रा है। तो मैंने अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है और उनकी जो करेंसी है वो अफगानी है, ठीक है, उनको याद है, उनको प्रॉब्लम नहीं, अफगानिस्तान वैसे कॉमन है। बहरीन है, उसकी जो कैपिटल है वो अपनी बाकू और इसकी जो करेंसी है वो मनत, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको बहरीन को याद रखें क्योंकि ये कोई ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, लेकिन फिर भी एशियन कंट्रीज है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड बहरीन ओवर हियर, ठीक है। थर्ड वन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको पता है कि ढाका इसकी राजधानी है और टका जो है इसकी करेंसी है। बांग्लादेश आपको पता है कि 1972 में इंडिया से अलग हुआ था, इंडिया से नहीं कहूँ तो जो आपका पाकिस्तान था, पहले पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग होता था, अब बांग्लादेश नई कंट्री बन गया 1971 के अंदर, ठीक है, और बांग्लादेश अच्छा ग्रो कर रहा है फिलहाल। अगला भूटान, भूटान है वो अपना बिल्कुल पास में है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या है थिम्पू, और इसकी जो करेंसी है, इसकी राजधानी तो याद रहती है थिम्पू, लेकिन जो करेंसी नगल ड्रम है, तो थिम्पू जो भूटान है नगल ड्रम है वो याद नहीं रहता, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, नगल ड्रम सबसे अलग यही वर्ड दिखता है। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है जो आपको पता है कि अपने जो कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट उनमें ही है, लेकिन जो इंडोनेशिया वो फैला हुआ है, फैला हुआ का मतलब ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है पहले बात तो, और कुछ आइलैंड्स के रूप में कोई किधर है कोई किधर है कोई किधर है, ठीक है, तो इंडोनेशिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है इस जो एशियन गेम्स हुए थे अपने कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया और उसकी राजधानी जकार्ता और पालेमबर्ग उसका एक शहर है वहां पे हुए थे। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और इसकी जो करेंसी वो रुपया ही है, ठीक है, अपना जो रुपीज है उससे थोड़ा अलग है लेकिन इसको बोलते हैं रुपया है, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया। ईरान आपको पता है अरेबियन कंट्री है, ईरान की राजधानी क्या है उसके जैसा ही वर्ड है ईरान, और इसको पहले अपन क्या बोलते थे, इसको पहले अपन पर्सिया बोलते थे, ठीक है, पर्सिया एंड प्रिंस ऑफ पर्सिया आपने मूवीज देखी होंगी, ठीक है, तो जो पर्सिया बोलते थे उसको ईरान को बोलते थे, और ईरान भी पहले जो बड़े एंशिएंट टाइम में इंडिया के एक जो कॉन्टिनेंट था उसका ही पार्ट था, ठीक है, वो तेहरान हो गया, उसकी जो करेंसी वो रियाल है। इराक है आपको पता है, इराक क्यों फेमस है, इराक इसलिए फेमस है जो ISIS है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करती है, वो यहाँ पे बहुत सारे हमले करती है इराक के अंदर, और इसकी 50% आपको पता है कि जो है वो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता ढंग से, तो इसकी राजधानी जो है बगदाद है और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है, ठीक है। अब है इसराइल, इसराइल आपको पता है कि फिलहाल है इंडिया का बहुत ही अच्छा अलाय या फिर मित्र कहूँ, फ्रेंडली कंट्री कहूँ, तो बंदर उभर रहा है, पहले यहाँ पे इंडिया का नजरा नहीं था, बिकॉज इसराइल एक थोड़ा सा ऐसी कंट्री था कि जो सिर्फ मुंह पे बोलता है कि मैंने आपको खत्म कर देना है, क्योंकि इसके आपको पता है कि इसके कुछ खिलाड़ियों को 1972 के अंदर कुछ इनके खिलाड़ियों को जर्मनी में जो ओलंपिक हुए थे म्यूनिक में वहां पे इनके खिलाड़ियों को मार दिया गया था ऑन द ग्राउंड, तो इसकी जो लेडी थी वहां पे फर्स्ट लेडी उसने कहा था कि हम उनको जाके मारेंगे, तो ये ऐसी कंट्री थी, तो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है, तो इंडिया अपना जो इसके साथ रिलेशन है वो दिखाने में हिचकिचाता था, पहले रिलेशंस थे बट वो सबके सामने नहीं आते थे, ठीक है, एक्सपोज नहीं होते थे, फिलहाल जो है अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी वो उन्होंने बिल्कुल ओपनली कर दिया कि हमारे इज़राइल के साथ से संबंध है, इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम, जेरूसलम का भी काफी छोटे पहले विवाद था क्योंकि US था और जेरूसलम को इनकी जो ऑफिशियल जो कैपिटल बोले उनको घोषित करना चाहता था, ठीक है, इसका राजधानी जेरूसलम, और जिसकी जो करेंसी है वो आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, सेकेल सी करेंसी है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप इससे याद कर सकते हैं कि इज़राइल फिलहाल जो इंडिया का फ्रेंडली कंट्री होती है उसके ऊपर नंबर वन कह सकते हैं इसको, क्योंकि इससे अपन बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जितनी अपनी आर्टिलरी होती है जितने भी अपने कॉम्बेटिव व्हीकल्स होते हैं जितना भी अपने युद्ध का सामान होता है सारा हम इसराइल से ही इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी जो राजधानी वो येन है, आपको पता होगा जापान के अंदर जैसे पहले क्या US ने यहाँ पे 2 परमाणु बम गिराए थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1942 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम में काफी दबाव हो गया था, लेकिन फिर भी टोक्यो जैसे जापान ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है उसकी टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, यूके जापान, ठीक है। जॉर्डन है, जॉर्डन यहाँ पे अरेबियन कंट्री है और इसकी राजधानी है अमान और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है, दिनार का करेंसी मिल जाएगी आपको, ठीक है,
दिनार आपको इसकी करेंसी मिलेगी किसकी, इराक की दिनार, आगे की करेंसी आएगी। तो दिनार आपकी थोड़ी कॉमन है अरेबियन कंट्रीज में, दिनार और रियाल, और ठीक है दिनार और रियाल दो ही होते हैं, मोस्टली दो ही होते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान आपको पता, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और इसकी जो करेंसी है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो आप ध्यान रखें टेंगे। इसके बाद में किर्गिस्तान, किर्गिस्तान थोड़ा ऊपर है लाइक पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ब्लोच आता है, बलोचिस्तान आता है, उसके बाद किर्गिस्तान आता है ऊपर। ठीक है, तो इसकी राजधानी है वो बिश्केक है और इसकी जो करेंसी वो भी सोम, इनकी करेंसी से भी डिफरेंट है, तो आप इनको याद रखें। जैसे सोम और टेंगे हो गया, ये याद रखने वाला, सेकेर अलग है, नगर ट्रम अलग है, तो इनको आप अलग से एक मेंशन कर लें, फिर आपको इनको याद करना है। मलेशिया, मलेशिया आपको पता है कि नीचे जो इंडिया के नीचे जो मालदीव है, मालदीव के नीचे मलेशिया आता है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी जो इसकी करेंसी है वो रिंगिट है। ठीक है, मालदीव, मालदीव इंडिया से सटा हुआ है, हालांकि रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे मालदीव के साथ में, मालदीव और म्यांमार दोनों साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ था, बिम्स्टेक जो उसी बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था उसमें इंडिया होस्ट करा था, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं मालदीव और म्यांमार पहले इंडिया पे डिपेंडेंट थी, लेकिन फिलहाल जो आपको पता है कि एशियन पैसिफिक में जो चाइना उभर रहा है, उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीज को अपने बस में कर लिया, जैसे नेपाल उनमें से एक है। नेपाल ने भी बिम्स्टेक वाला उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि नेपाल फिलहाल चाइना के साथ और कोलिजन में है। ठीक है, म्यांमार की नेपिदा और इसकी जो करेंसी है वो क्या। ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आपको पता है क्यों फेमस है, बिकॉज अभी इसके जो इसके शासक कह सकते हैं, डिक्टेटर टाइप कह सकते हैं, जो मून किम जोंग उन है, इनका नाम क्या है, किम जोंग उन, तो इनके जो शासक हैं फिलहाल वो बिल्कुल कहें तो उनके जो ग्लोबलाइजेशन को वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपनी कंट्रीज को मानते हैं, अपनी कंट्री में मिसाइल टेस्टिंग होनी चाहिए तो होनी चाहिए। पहले इनके कमेंट्स आते थे कि मैं यूएस के अंदर मिसाइल का जो टेस्टिंग मिसाइल को गिरा दूंगा, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है, फिलहाल कंडीशन बहुत अच्छी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी एक हो चुके हैं और नॉर्थ कोरिया यूएस के जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बीच में बैठी हुई सिंगापुर के अंदर हुई थी थोड़े दिन पहले, शायद महीने या 2 महीने पहले। तो फिलहाल की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, कोलिशन है, अच्छा सौहार्द का वातावरण है सबके बीच। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, इस साल 2018 के जो विंटर ओलंपिक हुए थे वो प्योंगयांग में हुए थे आपको पता है, और इसकी जो करेंसी है वो आपकी क्या है, वन। तो ये कुछ कंट्रीज हो गई लगभग 16, बाकी कंट्रीज में आपको लिखता हूँ, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आज जो है वो एशियन कंट्रीज के बारे में मैंने थोड़ा फोकस किया कि सारी कंट्रीज को एक साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, एक बार एशियन फिर यूरोपियन देख लेंगे फिर एक बार अमेरिकन देख लेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट, लेकिन उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ही है मोस्टली, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उसके अंदर ज्यादा, अपन उनको सबके साथ में देख लेंगे। इसके आगे क्या है, इसके आगे अपना ओमान है, ओमान, ओमान आपको पता है कि अरेबिक कंट्री है। ठीक है, ओमान आपका जो पाकिस्तान है, फिर आपका सऊदी अरब आता है, यूएई आता है, उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो ओमान सबसे ऊपर आता है। ठीक है, ओमान की है, ओमान की राजधानी आपको मस्कत है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कत है और इसकी जो करेंसी है वो रियाल है। आपको पता है रियाल किसकी थी, आपकी इराक की रियाल थी। ठीक है, तो इसके ओमान भी एक अरेबियन कंट्री है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ओमान की मस्कत है, क्योंकि ज्यादातर अपने जो इंडियन लोग होते हैं वो विदेश में जाते हैं, तो ओमान, मस्कत, मस्कत जाते हैं, कतर में जाते हैं, कतर भी लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, यूएई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी ओमान। उसके बाद में अपने पास है पैलेस्टाइन। देखो पैलेस्टाइन क्या है, पैलेस्टाइन जो अपन फिलिस्तीन बोलते हैं ना, उसका रियल नेम पैलेस्टाइन है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम की राजधानी है और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। ठीक है, इसी करेंसी कौन सी होगी, दिनार। रियाल और दिनार को कई कंट्रीज में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कतर मैं अभी बता रहा था आपको, कतर इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दोहा। ठीक है, और जो इसकी करेंसी है वो रियाल है। ज्यादातर अरेबियन कंट्रीज हैं उनकी करेंसी रियाल और दिनार में से होगी, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रियाल और दिनार दोनों को ही याद रखना अपने को। ठीक है, तो अरेबियन कंट्रीज में मोस्टली यही चलती है। उसके बाद में सऊदी अरब, जो सबसे कहें तो जो अरेबियन कंट्रीज में जिसका नाम, इसका नाम ही अरेबियन कंट्रीज है, इस पे ही नाम बना है अरेबियन कंट्रीज। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी वो रियाद है। ठीक है, रियाद, और इसके जो करेंसी है वो सऊदी रियाद है तो रियाद ही, लेकिन इसका थोड़ा अलग है सऊदी रियाद। अब जो सऊदी अरब है वो फेमस इतना ज्यादा क्यों, आपको पता है जितना भी क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो इन्हीं कंट्री से निकलता है, अरब कंट्री से, और उसमें भी जो फेमस ज्यादा है, सबसे टॉप मोस्ट है, वो है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब है सबसे ज्यादा, तो इसकी राजधानी क्या है, सऊदी रियाद। इसके बाद में आपको पता है कि जैसे मैंने नॉर्थ कोरिया बताया था, नॉर्थ कोरिया की राजधानी थी प्योंगयांग और उसकी करेंसी थी वन, WKN, और इसी तरह साउथ कोरिया भी हो गया। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्यों किया था, क्योंकि सैमसंग कंपनी है वो साउथ कोरिया की है।
या सैमसंग इसकी है साउथ कोरिया की। इसकी राजधानी है वह सियोल। फिलहाल इसके जो प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, उसके बारे में मैंने 3 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था द हिंदू एडिटोरियल में कि मून जो है किम जोंग उन और मून जे इन, इन दोनों जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मीटिंग हुई है। तो काफी फिलहाल तो अच्छा वातावरण है यहाँ पे, स्पेसिफाई वातावरण है। पहले तक बहुत ही आपको पता है कि आपका कोरिया वार हुआ था, कोरिया वार कब हुआ था 1953 के अंदर हुआ था। कोरिया वार के अंदर ये हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया में रह गए वो नॉर्थ कोरिया में रह गए, चाहे वो रिलेटिव ही क्यों, और जो साउथ कोरिया में रह गए वो साउथ कोरिया में रह गए। अभी थोड़ी देर पहले 93 लोगों को उनके सिद्धांतों से मिलने का मौका दिया गया था। कई तो ऐसे भी थे कि माँ बेटे अलग हो गए थे 1953 में और वो अब जाके मिल रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में इतना डिस्प्यूट था, लेकिन फिलहाल अच्छा है, फिलहाल सुधरता दिखाई दे रहा है। साउथ कोरिया की राजधानी में सियोल, और इसकी जो करेंसी है वो वन ही है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की वन है, लेकिन वो नॉर्थ कोरियन वन है। और जो साउथ कोरिया की है वो साउथ कोरियन वन है, दोनों की वन ही डब्ल्यू है, लेकिन उनकी नॉर्थ कोरियन है और उनकी साउथ कोरियन है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं सीरिया। सीरिया आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग कंट्री है, क्यों, क्योंकि जो आईएसआईएस है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि मिलिटेंट ग्रुप आपको पता है, मैंने सुबह भी डिस्कस किया था आईएसआईएस के बारे में, और एक और आपकी कौन सी, ये जो वो मेरे को याद नहीं है, आईएसआईएस जो आपका वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, ठीक है। तो सीरिया की जो राजधानी है, क्योंकि वहां पर गोलाबारी ज्यादा चलती रहती है, तो 50% तो सीरिया खत्म ही हो चुका है। सीरिया का एड्रेस है मोसुल, ठीक है। मोसुल को 3 साल तक लगातार आईएसआईएस का कब्जा था मोसुल के ऊपर। नाम लिखा हूँ फिर आईएस सीरिया के एक शहर मान लो शहर है मोसुल, मोसुल के अंदर 3 साल उसके ऊपर आईएसआईएस यानी सीरिया का कब्जा था, ठीक है। देखो अभी थोड़ी देर पहले आबाद हुआ है वहां, कुछ फोटोज वायरल हुए थे, आपको अंदाजा नहीं लगा कि इतनी ज्यादा तबाही उन्होंने मचा रखी आईएसआईएस ने, ठीक है। सीरिया की राजधानी वो दमिश्क बोलते हैं इसको अपन, दमिश्क, ठीक है। उसकी जो जो करेंसी है वो पाउंड, ठीक है। बहुत कम कंट्रीज हैं एशियन जिनकी जो करेंसी वो पाउंड है, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज हैं उनकी रियाल है, रुपया है, आपकी दिनार मिल जाएगी, लेकिन जो सीधा कंट्री है उसकी जो करेंसी वो पाउंड है। एशियन कंट्रीज है पाउंड किसकी होती है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की पाउंड यूरो आसपास होती है, ठीक है। सीधा ही कौन ऐसा देश है जिनकी करेंसी है वो पाउंड है, तो आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। सीरिया, सीरिया अपना हो गया। उसके बाद में थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड आपको पता है कि थाई की कंट्री है, थाई जो लोग होते हैं थाई इनकी कंट्री है। इनकी जो राजधानी है वो बैंकॉक है, ठीक है। राजधानी की क्या है, बैंकॉक, और इनकी जो करेंसी है वो बहत, ठीक है। वैसे जो बैंकॉक है वैसे बहत है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड क्या है, जापान के नीचे है और इंडोनेशिया के नीचे भी, इंडोनेशिया के पास में थाईलैंड, ठीक है। थाई की कंट्री, थाई लोग होते हैं उनकी कंट्री है, उनकी लैंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थाईलैंड, बैंकॉक एंड बहत, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि बैंक में बहुत सारा पैसा है थाईलैंड वाले लोगों के, तो बैंक में बहुत पैसा है, दैट्स व्हाई बैंकॉक बहत, ऐसे रिमेंबर कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में अपना है टर्की। टर्की से अभी न्यूज में ऐसा चल रहा है, तो टर्की की जो करेंसी है, टर्की करेंसी क्या है, टर्की करेंसी है लीरा। आपको पता है इंडियन रुपी है जैसे 73 रुपीज हो चुका है, डॉलर के 1 डॉलर इक्वल टू लगभग 73 रुपीज लिख रहा हूँ इसको, 73 रुपीज, ठीक है। तो ये इतना चेंज क्यों आ रहा है, इतना डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो जो क्रूड ऑयल है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और टर्की है, टर्की में क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। टर्की खुद ही करेंसी है लीरा, उसकी वैल्यू 1 साल पहले 4 लीरा हुआ करती थी 1 डॉलर की, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 डॉलर के मुकाबले 4 लीरा हुआ करती थी, फिलहाल ये चल रही है 1 डॉलर = 6 लीरा। हालांकि डिफरेंस तो होगा ही है, लेकिन परसेंटेज देखते तो 50% का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 4 के मुकाबले 2 बढ़ गए तो 50% का डिफरेंस हो गया। इंडिया में तो कॉमन सेफ्टी चलता है तो वो 3 रुपए ही बढ़ा है, तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन जो टर्की है उसकी 4 लीरा के मुकाबले 1 साल पहले था 1 डॉलर के मुकाबले अभी जो है वो 6 लीरा है, तो 50% डाउन आ चुकी है जो टर्की करेंसी की। तो उनकी जो करेंसी है टर्की की वो है लीरा, इसलिए फेमस है। मैं आपको इसको करंट जीके से रिलेट करके बता रहा हूँ। टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा, और इसकी जो करेंसी है वो लीरा, ठीक है। लीरा अच्छी है, सॉलिड है, सॉलिड करेंसी है, क्योंकि देखो 1 डॉलर में अगर 4 लीरा है तो सॉलिड मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो गिरावट आ रही है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 50% के अभाव के गिर चुके हैं फिलहाल 1 साल के अंदर, ठीक है। एक कंट्री आती है यूएई,
यूएसए कोई कंट्री तो नहीं है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होती है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी कई जगहों को मिला के इसको यूनाइट किया गया है, जगह मिलाया गया है तो यूएई उसको बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल जो इंडियन और जो इंडियन जो कॉन्टिनेंटल जो एशिया कप चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, वो सब इसके सब जो अपनी क्या है यूएई इसके अंदर ही चल रहा है। उसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी इसकी राजधानी है, अबू धाबी में सारे मैच हो रहे हैं। तो आपको मैं करंट से रिलेट करके बता रहा हूँ, इसको अबू धाबी में एशिया कप हो रहा है फिलहाल, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, इसकी दरहम करेंसी है। एकमात्र कंट्री है जिसकी करेंसी क्या है, दरहम। ठीक है, कहीं उनके रियाल भी है, क्यात है और दिनार है, लेकिन इसकी क्या है, दरहम। तो अपने जो लास्ट कंट्री है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, ताशकंद। ठीक है, ताशकंद इसलिए फेमस है क्योंकि हर एक चीज का मैं थोड़ा सा आपको कैसे आपको कनेक्ट करना वो बता रहा हूँ। तो ताशकंद को अपन इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं कि जो अपने इंडिया के जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो जो इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री इनका नारा क्या था, जय जवान जय किसान। ये इतने प्रेशर में थे, इतने डिलीजेंट थे, इतने असिडियस थे कि ये जो अपने एरोप्लेन के अंदर भी काम करते थे, यानी वहां पर भी कोई आराम नहीं था। उन्होंने 1966 के अंदर एक समझौता किया था जिसको अपन ताशकंद समझौता के बारे में बोलते हैं, और ऐसा हुआ था कि कुछ अपना जो भाग था इंडिया का भाग था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। और कहते हैं कि 19 वहीं पे ही दूसरे दिन रात को इनकी मौत हो गई लाल बहादुर शास्त्री की। तो ताशकंद इसलिए फेमस है क्यों, क्योंकि ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है। और इसकी जो अपनी करेंसी है वो क्या है, वो इसकी थोड़ी डिफरेंट है, इसकी करेंसी क्या है, सोम। करेंसी क्या है, सोम। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान हो गया, ताशकंद और सोम इसकी करेंसी हो गई। तो मैंने आपको कुछ कंट्रीज बताई है। ठीक है, ये एशियाई कंट्रीज थी और इनकी जो ये इसलिए मैंने बताया कि ज्यादातर इनकी रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं। कुछ जो नेपाल नहीं बताया, इंडिया का पता ही आपको, पाकिस्तान में नहीं बताया, मैंने श्रीलंका का नहीं बताया, बिकॉज वो उनके साथ तो आपको पता है उनकी जो कैपिटल पता है, उनकी कुछ करेंसी भी पता है। और करेंसी का ये है कि इंडिया के जितने भी पास में कंट्रीज हैं सारों की करेंसी रुपया ही है। हाँ, जैसे पाकिस्तान की रुपया है वो पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका के भी रुपया है, और जैसे मालदीव की मैंने बताया कि वो रुपया है, इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया है, तो रुपया ही चलती है, लेकिन उनके देश की थोड़ी करेंसी अलग है डॉलर के मुकाबले। ठीक है, ये अपना एशियाई कंट्रीज का था। अगली बार हम जो यूरोपियन कंट्रीज का ले जाएंगे, और टाइम मिला तो अपन जो यूएस की कंट्रीज है जितनी भी उनका भी ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एडियो जंप लाइव क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।